हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाले, कुछ बातें आपसे शेयर करनी हैं और कुछ चीज़ें आपसे पूछनी हैं, कुछ रिव्यू आपसे चाहिए, तो उसी रिगार्डिंग मैं आया हूं, ये वीडियो शूट कर रहा हूं उसी चीज़ के लिए। तो नंबर वन पॉइंट तो आ जाता है नोट्स। तो सबसे पहले मेरे को बताना था नोट्स के बारे में। देखो, कई लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन रहती है कि नोट्स कहाँ हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है लेकिन वो लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो वो फिर मैसेज करते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा, नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, मेरा चैनल का नाम एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस है, तो आप टेलीग्राम पे भी यही सर्च करो, एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, आपको चैनल इजीली मिल जाएगा। फिर भी ना मिले, मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, आप जो भी मैंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा है आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो सिंपल सी बात है, जाके सर्च करो टेलीग्राम पे एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस, आपको वहाँ पे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे फाइल सेक्शन के अंदर। पुराने फर्स्ट ईयर के नोट्स भी मिल जाएंगे, जो पुराने के पुराने, और नए जो लेटेस्ट नोट्स भी हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ नोट्स को, और वो नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ईजिली आपको मिल जाएंगे। तो ये तो होगी नोट्स की बात। दूसरी जो बात मेरे को पूछनी थी आपसे कि अभी जो रिसेंट जो वीडियोज़ आई हैं, पिछली 4 या 5 वीडियोज़, इसमें कुछ पैथो की वीडियोज़ हैं, कुछ फार्मा की वीडियोज़ हैं, तो मैंने नया मेथड यूज़ करना स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें मैं मतलब आईपैड में लिखा हुआ, पहले से लिखा हुआ है या और उसके अंदर ही पेंसिल से मतलब राइटिंग भी करता हूँ साथ के साथ, और लेटेस्ट में तो मैंने फेस दिखा के पढ़ाने की भी कोशिश की है। पुराना जो मेथड था, जो पेज पे लिखने वाला था, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था और बहुत ही कंबर्सम था पेजेस को संभाल के रखना। ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने कोपअप करने के लिए मैंने नया मेथड यूज़ किया है, अभी स्टार्ट किया है। तो आप इसमें रिव्यू देना कि नया मेथड ज़्यादा अच्छा आपको लगा या पुराना मेथड अच्छा था। ऐसा नहीं कि वही नहीं, पुराना ही सही था सर, वही यूज़ करो, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं। मेरे को बताना कि क्या चेंजेस मैं ला सकता हूँ नए मेथड में, और अगर आपको यूँ ही लगता है कि नया मेथड बिल्कुल ही ख़राब है, बिल्कुल ही बेकार है, तो आप वो मैसेज वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना इस वीडियो के कि सर बिल्कुल ही बेकार मेथड है, नए वाला पुराने वाला ही करो। तो फिर उस हिसाब से जितने बच्चे जिस हिसाब से कमेंट करेंगे उस हिसाब से मैं देखूंगा। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट था वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना कि कौन से टॉपिक्स आप चाहते हो। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के कौन से टॉपिक्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बताना कि फर्स्ट ईयर के कौन से टॉपिक्स आप चाहते हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेम, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक आप चाहते हो जिस पर वीडियो बने, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। फिर मैं उस हिसाब से देखूंगा, जितने ज़्यादा टॉपिक पे कमेंट्स आ रखे होंगे वही टॉपिक मैं बनाऊंगा। और सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में, टॉपिक बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, यूँ नहीं कि सीधा लिख दिया सर फार्माकोलॉजी की और वीडियोज़ बनाओ, माइक्रोबायोलॉजी की वीडियोज़ अपलोड करो, भाई टॉपिक बताओ ना, कौन सा टॉपिक आप पहले चाहते हो उसी टॉपिक पे फिर मैं काम करूँगा। मैं कोई टॉपिक अपलोड भी कर देता हूँ फिर भी यही मैसेज आते हैं मोर वीडियोज़, तो आप टॉपिक बताओ ना कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, फिर उस हिसाब से देखेंगे कि कौन सा टॉपिक अपलोड करना है नेक्स्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा करो कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखना कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी यही है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी यही है, ज़रूर लिखना कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक पे वीडियो आप चाहते हो। एंड द लास्ट पॉइंट, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि एक नया चैनल मैं खोलने जा रहा हूँ मोहित शोरान के नाम से, जिसमें मैं अपलोड करूँगा जैसे कैसे एनाटॉमी, बायोकेम, फिजियोलॉजी, जैसे कईयों की कन्फ्यूज़न होती है कि सर बताओ ना कैसे पढ़े एनाटॉमी, कुछ याद नहीं रह रहा, कैसे इसको स्ट्रेटेजी क्या रखें, तो वो सब चीज़ें मैं उस चैनल पे अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम, या फिर जैसे कोई नई न्यूज़ आई है मतलब MBBS से या मेडिकल से रिलेटेड वो अपलोड करूँगा, या फिर जो पैथो फार्मा माइक्रो है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी मैं अपलोड करूँगा उस चैनल के ऊपर, जिसका नाम होगा मोहित शोरान। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लेना नए अपडेट्स के लिए। भाई अब इतना कुछ मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो आपका भी हक बनता है ना, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबा के रखना, नई वीडियो जल्द ही आ रही होगी उस चैनल के ऊपर। उसके अलावा उस चैनल पे हम बात मतलब मैं अगर हुआ तो स्टडी ब्लॉग्स भी लेके आऊँगा, कोशिश रहेगी मेरी, तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो नए चैनल का नाम होगा मोहित शोरान, और जो कि जल्द ही मैं जिसके ऊपर वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा जो मैंने आपसे मांगा है वो आप प्लीज़ प्रोवाइड करना, कौन से टॉपिक्स आप चाहते हो वो ज़रूर बताना, और रिव्यू देना पुराने मेथड और नए मेथड पे, नए मेथड में क्या क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ ये बताना, या फिर बिल्कुल ही बेकार है तो वो भी बता देना आप लोग, क्योंकि अगर आपको ही पसंद नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है उस मेथड से बनाने का, तो आप बताना मेरे को ज़रूर। तो यही इस वीडियो में मेरे को बताना था, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।